नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉगिन स्टडी पर। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पीटीटी परीक्षा 2019 का पेपर, जिसमें हम आपको शिक्षण अभिरुचि के 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं। देखिए, आपके पीटीटी एग्जाम में शिक्षण अभिरुचि के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम आज आपको पीटीटी परीक्षा 2019 का पेपर सॉल्व करवाने वाले हैं। इसमें हम शिक्षण अभिरुचि के 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आप सभी को बताना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। देखिए, आपको सभी को सेशन को लास्ट तक देखना है और फिर कमेंट बॉक्स में आप सभी को बताना है कि 50 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं। और अभी तक इस क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब पीटीटी एग्ज़ाम का एक दिन और बचा है, आज का दिन और बचा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिए, सबसे पहले आपके 50 पेपर में 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, उसके बाद में 51 नंबर से 100 नंबर तक शिक्षण अभिरुचि के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं देखिए आज के क्वेश्चन की। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, आपकी समझ से शिक्षक का प्राथमिक कार्य क्या है। सभी को बताना है, देखो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में सभी को राइट आंसर बताना है। ऑप्शन ए है, निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाना, या फिर छात्र अधिगम को प्रेरित व निर्देशित करना, या पढ़ने की आदतों को बढ़ावा देना, या फिर जहां जरूरत हो सहायता देना। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा। शिक्षक का प्राथमिक कार्य क्या होता है? छात्र अधिगम को प्रेरित व निर्देशित करना, ऑप्शन बी देखो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। एक अल्प निष्पादन करने वाले छात्र को आप कैसे संभालेंगे? छात्र की अधिगम संबंधों समस्याओं को चिन्हित करके, या फिर किसी मनोवैज्ञानिक की सहायता से, या उसकी विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम बनाकर, या फिर नियमित रूप से उसके निष्पादन पर नजर रखकर। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। एक अल्प निष्पादन करने वाले छात्र को आप कैसे संभालोगे? नियमित रूप से उसके निष्पादन पर नजर रखकर, ऑप्शन डी देखो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 है, आपको देखो थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा होगा, तो आपको सेशन को 240 पेपर करके देखना है, फिर आपको एकदम क्लियर दिखाई देगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। समर्थनकारी सामाजिक मानक एवं अच्छे कार्यकारी संबंध शिक्षक नेतृत्व की क्या है पूंजी है? इसके लिए सभी विद्यार्थियों व विशेषज्ञता के विभिन्न क्षेत्रों के साथ क्षेत्रों के प्रति प्रतिबद्धता आवश्यक है, यह कथन क्या है? देखिए, आपको कथन वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इस कथन के बारे में आपकी पूर्णतया सहमत हो, या फिर अधिकांशतः सहमत हो, या कुछ सही हो, या फिर असत्य हो। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। इस कथन से हम क्या है पूर्णतया सहमत है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। छात्रों में मूल्यों को स्थापित करने के लिए एक शिक्षक के तौर पर किस विधि का उपयोग किया जाना चाहिए? यानी मूल्यों को स्थापित करने के लिए एक शिक्षक के तौर पर किस विधि का उपयोग किया जाना चाहिए? कक्षा में मूल्यों का शिक्षण, या फिर महान व्यक्तियों के उदाहरण पेश करें, या जो पढ़ाते हैं उसको व्यवहार में अपनाएं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, जो पढ़ाते हैं उसको व्यवहार में अपनाएंगे। तो क्या होगा, छात्रों में मूल्य स्थापित होंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। शिक्षक का ऐसा व्यवहार जिसके द्वारा वह छात्रों को कोई विचार या तथ्य को समझाता है क्या कहलाता है? संप्रेषण कौशल, या फिर शिक्षण कौशल, या प्रदर्शन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, शिक्षक का ऐसा व्यवहार जिसके द्वारा वह छात्रों को विचार या तथ्य को समझाता है क्या हो जाएगा, शिक्षण कौशल, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। कक्षा में शिक्षण क्रिया के प्रभावी होने के लिए अत्यावश्यक क्या है? यानी शिक्षण क्रिया के प्रभावी होने के लिए अति आवश्यक क्या है? रोचक छात्र शिक्षक अंतःक्रिया,
या फिर कक्षा में शांति या अनुशासन या फिर अध्यापक का चतुर होना। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। यानी यदि हमें शिक्षण क्रिया को प्रभावी बनाना है तो क्या करना होगा, रोचक छात्र शिक्षक अंत्य क्रिया करनी होगी। ऑप्शन ए देखो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षक की सफलता किस पर निर्भर करती है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो स्वामी विवेकानंद जी है उनके अनुसार शिक्षक की सफलता किस पर निर्भर करती है, विषय पर उसका अधिकार हो या फिर छात्रों को नियंत्रण करने की शक्ति पर या फिर भगवान के प्रति अनुपालन के भाव के साथ अपने काम और कर्तव्य पर ध्यान या फिर व्यक्तिगत स्वार्थों का त्याग। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, शिक्षक की सफलता किस पर निर्भर करेगी, भगवान के प्रति अनुपालन के भाव के साथ अपने काम और कर्तव्य पर ध्यान। यानी भगवान का तो हमें अनुपालन करना ही करना है, यानी पूजा पाठ करनी है उसके साथ अपने काम और कर्तव्य पर भी यदि हम ध्यान देंगे तब क्या होगा, एक शिक्षक सफल होगा। ऑप्शन सी देखो राइट आंसर होगा। हमें अपने काम और कर्तव्य भी देखो करते रहना चाहिए, भगवान भरोसे ही सब नहीं छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। जब एक शिक्षक किसी विद्यार्थी से संप्रेषण करता है यानी बातचीत करता है तो निम्न में से क्या महत्वपूर्ण होता है, सहानुभूति या फिर परानुभूति या अधिकारिता का मान या फिर उक्त में से कोई नहीं, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, यदि शिक्षक किसी विद्यार्थी से बातचीत करता है तो उसमें क्या होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। किस प्रकार के शिक्षक छात्र संबंध सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आपको बताना है किस प्रकार के शिक्षक छात्र संबंध सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, अनौपचारिक एवं घनिष्ठ या फिर सौहार्दपूर्ण एवं सम्मानपूर्ण या शिक्षण तक सीमित या तटस्थ। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। शिक्षक छात्र संबंध सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अनौपचारिक एवं घनिष्ठ। घनिष्ठ संबंध होना चाहिए, औपचारिक और घनिष्ठ संबंध होगा तब क्या होगा, शिक्षक छात्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। ऑप्शन ए देखो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। कक्षा में व्याख्यान देते समय यदि कोई शोर या व्यवधान हो तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, कुछ समय के लिए शांत रहकर फिर शुरू करना चाहिए या फिर जो हो रहा है उसे नज़रअंदाज कर देना चाहिए। यदि आप ही ऐसा करोगे तो बच्चों को समझ में कैसे आएगा, जो आप बात बता रहे हो वो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो ऑप्शन बी देखो गलत होगा, व्यवधान करने वाले को दंडित करना चाहिए या फिर कक्षा को छोड़ देना चाहिए। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। हमें क्या करना है, कुछ समय के लिए शांत रहकर फिर कालांश को शुरू करना चाहिए, जो आप व्याख्यान कर रहे हो उसको शुरू करना चाहिए। तो ऑप्शन ए देखो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। जब एक शिक्षक विद्यार्थियों को कक्षा में पढ़ा रहा है तो इस प्रकार के संप्रेषण को क्या कहते हैं, समूह संप्रेषण या फिर अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण या फिर शाब्दिक संप्रेषण। तो देखो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, इसे हम क्या करेंगे, अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण कहेंगे। ऑप्शन बी देखो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। एक प्राचार्य के रूप में स्कूल में किसी शिक्षक की गुणवत्ता का मूल्यांकन कैसे करेंगे। यदि आप एक स्कूल के प्राचार्य हो तो आप स्कूल में किसी शिक्षक की गुणवत्ता का मूल्यांकन कैसे करेंगे। देखेंगे कि शिक्षक कक्षा में निर्देश कैसे देता है या फिर उनमें आत्म मूल्यांकन को जांचेंगे या फिर उनके विषय में उनके छात्रों के निष्पादन की तुलना करेंगे या फिर किसी स्वतंत्र प्राधिकारी की सेवा लेंगे यानी उसकी सहायता लेंगे। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें क्या करना है, उनके विषय में उनके छात्रों के निष्पादन की तुलना करेंगे कि छात्रों को कितना समझ में आ रहा है, उनके विषय में छात्र कितने इंटेलिजेंट है। तो ऑप्शन सी देखो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। आप कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए छात्रों को कैसे संभालेंगे। देखिए राइट आंसर क्या होगा, उनको कक्षा गतिविधियों में व्यस्त रखकर या फिर नियमों का पालन न होने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की व्याख्या कर या प्रत्येक छात्र के व्यवहार पर निगरानी रखकर
या फिर स्पष्ट बताकर कि उनसे किन नियमों के पालन की अपेक्षा है। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, उनको कक्षा गतिविधियों में यदि हम व्यवस्थित व्यस्त रखेंगे, बिजी रखेंगे, तो कक्षा में अनुशासन अपने आप बने रहेगा। ऑप्शन ए देखो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, आपकी कक्षा में एक नए विद्यार्थी ने प्रवेश लिया है, वह आप पाते हैं कि वह कक्षा में समायोजन नहीं कर पा रहे, यानी वह कक्षा में घुल मिल नहीं रहा है अपने दोस्तों के साथ, जो कक्षा में और सहपाठी है उनके साथ समायोजन नहीं कर पा रहा है, तो एक शिक्षक के तौर पर आप क्या करोगे। देखिए ये क्वेश्चन तो हमने देखा था ना कल, कारण जानने की कोशिश करेंगे या फिर उसके अभिभावकों को बुलाकर बताएंगे या साथी शिक्षकों से चर्चा करेंगे या फिर मामले को नज़रअंदाज कर देंगे। तो देखिए एक शिक्षक के तौर पर आपको क्या करना है, कारण जानने का पता करना है, कारण जानने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा कि ये जो विद्यार्थी है ये कक्षा के अन्य छात्रों के साथ समायोजन क्यों नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, कक्षा में शिक्षण आरंभ करने से पहले आप क्या करोगे, भाषा पर अधिकार विकसित करेंगे या फिर विषय पर अधिकार विकसित करेंगे या कक्षा में विषय के बारे में बताएंगे या फिर अनुशासन रखेंगे। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी देखो करेक्ट आंसर होगा, विषय पर अधिकार विकसित करेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, यदि आपको किसी संस्थान के लिए पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए कहा जाता है, यानी किसी संस्थान के लिए पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए कहा जाता है, पाठ्यक्रम को बढ़ाने के लिए कहा जाता है, तो आप इसे किस प्रकार आधारित करेंगे, सिद्धांत के अनुसार या फिर रोजगार उत्पादन के अनुसार या सिद्धांत व अभ्यास अनुसंधान या फिर सिद्धांत अभ्यास व अनुसंधान। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी सिद्धांत अभ्यास व अनुसंधान, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स यदि आपको क्लास में मज़ा आ रहा है तो आप लाइक कर दीजिए, लाइक करने में आप कंजूसी क्यों कर रहे हो यदि आपको क्लास में मज़ा आ रहा है तो। देखिए इस सेशन में हम 2019 का मॉडल पेपर देख रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, एक शिक्षक के तौर पर आपकी समझ से किसी उत्तर का मूल्यांकन किस पर आधारित होना चाहिए, विषय की समझ पर या फिर तार्किक प्रस्तुतिकरण पर या फिर उत्तर की भाषा पर या ए और बी दोनों पर। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी विषय की समझ पर और तार्किक प्रस्तुतिकरण पर उत्तर का मूल्यांकन आधारित होना चाहिए, ऑप्शन डी देखो राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, सामाजिक परिपक्वता का अर्थ है सामाजिक संबंधों तथा परिवार पड़ोसी मित्रों खेल साथियों सहपाठियों व शिक्षकों के साथ अच्छे संबंधों की स्थापना में परिपक्वता प्राप्त करना, यह कथन क्या है, यह कथन क्या है पूर्णतया सही है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, अधिकांश शिक्षण नेतृत्व कार्यक्रम शिक्षक की पर्यवेक्षक भूमिका पर केंद्रित होते हैं, जो अधिकांश जो शिक्षण होते हैं यानी जो पढ़ाने का तरीका होता है वो नेतृत्व कार्यक्रम शिक्षक की पर्यवेक्षक भूमिका पर केंद्रित होते हैं तथा उनकी नेता की भूमिका का समर्थन नहीं करते, यह कथन क्या है, यह कथन क्या है असत्य है, ऑप्शन डी देखो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, एक शिक्षक के लिए निम्न का प्रदर्शन आवश्यक है, छात्रों की समस्याओं का ज्ञान या फिर विषयों का सही ज्ञान या फिर छात्रों के साथ संयम व लचीलापन या अनुशासन रखना। तो एक शिक्षक के लिए किसका प्रदर्शन आवश्यक है, यदि शिक्षक को विषय का ज्ञान विषय का सही ज्ञान होगा तो वो छात्रों की समस्याओं को सुलझा भी सकता है, अनुशासन भी बनाए रख सकता है, ऑप्शन बी देखो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, श्रवण संप्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, तो इसको बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे, श्रवण क्या होता है, जो सुनने का माध्यम होता है सुनना, संप्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, इसको बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे, सामग्री को रुचिकर व नवीन तरीके से प्रस्तुत करेंगे या फिर कक्षा में शोर को कम करेंगे या स्वर के उतार चढ़ाव का प्रयोग करेंगे या फिर सामग्री को उसी रूप में प्रस्तुत करेंगे। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, सामग्री को हम क्या करेंगे, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको रुचिकर व नवीन तरीके से प्रस्तुत करेंगे, ऑप्शन ए देखो राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेहतर। सहयोगी प्रशासन के लिए आवश्यक है कि प्राचार्य शिक्षकों के साथ शक्तियों को साझा करने को तैयार हो तथा उसमें उनको नेता बनाने के कौशल विद्यमान हो, तो यह कथन क्या है? क्या है सहयोगी प्रशासन के लिए आवश्यक है कि प्राचार्य शिक्षकों के साथ शक्तियों को साझा करने को तैयार हो तथा उसमें उनको नेता बनाने के लिए कौशल विद्यमान हो, तो यह कथन, इस कथन के बारे में आपकी क्या राय है? यह कथन क्या है, पूर्णतया नहीं है, यानी यह कथन क्या है, गलत है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। छात्रों में लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे? अंक देने में उदारता बरतेंगे, या फिर छात्रों के साथ घनिष्ठता स्थापित करेंगे, या छात्रों की समस्या समाधान में मदद करेंगे, या फिर अपने काम से मतलब रखेंगे। तो लोकप्रियता बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा? छात्रों की समस्या समाधान में मदद करनी होगी। ऑप्शन सी देखो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। कक्षा में शिक्षण प्रारंभ करने से पहले एक अच्छे शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों के वर्तमान ज्ञान का निर्धारण करना चाहिए, या फिर विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारकों का निर्धारण करना चाहिए, या फिर विद्यार्थियों में रुचि पैदा करनी चाहिए, या फिर केवल पढ़ाना चाहिए। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, एक अच्छे शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों में सबसे पहले रुचि पैदा करनी चाहिए, उस सब्जेक्ट के लिए रुचि पैदा करनी चाहिए। ऑप्शन सी देखो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। कक्षा में पढ़ाते समय ध्यान में रखने योग्य पहला महत्वपूर्ण कदम क्या होता है? छात्रों की पृष्ठभूमि जानना, या फिर पढ़ाई जाने वाली सामग्री को व्यवस्थित करना, या फिर पूर्ण योजना निर्माण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर दीजिए सभी। देखिए देखते हैं कौन राइट आंसर दे रहे हैं। कक्षा में पढ़ाते समय ध्यान में रखने योग्य पहला महत्वपूर्ण कदम क्या होता है? क्या होता है, पढ़ाई जाने वाली जो सामग्री है उसको व्यवस्थित करना। एक टीचर के बारे में पूछा गया है कि कक्षा में पढ़ाते समय ध्यान में रखने योग्य पहला महत्वपूर्ण कदम क्या होगा, जो पढ़ाते हैं, जो जिस सामग्री से हम पढ़ाते हैं उसको व्यवस्थित करना। ऑप्शन बी देखो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा में अपना पहला दिन कैसे आरंभ करोगे? छात्रों के साथ एक अनौपचारिक परिचयात्मक सत्र करेंगे, या फिर छात्रों को विषय के स्वरूप और महत्व के बारे में बताएंगे, या फिर छात्रों की समझ के स्तर के निर्धारण का प्रयास करेंगे, या फिर छात्रों से पूर्व अध्यापक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पूर्व अध्यापक, यदि जो पूर्व अध्यापक जो पहले ही सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं उससे आपको कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। ऑप्शन डी तो देखो गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट आंसर होगा। यानी सबसे पहले पहले दिन हमें क्या करना चाहिए, छात्रों के साथ एक अनौपचारिक परिचयात्मक सत्र करेंगे, यानी अपना परिचय देंगे और छात्रों का भी परिचय लेंगे। ऑप्शन ए देखो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। श्रीमान कपूर बहुत मेहनती व आदर्श शिक्षक है, लेकिन फिर भी असफल है, इसका क्या कारण हो सकता है? उनकी शिक्षण योग्यता का स्तर छात्रों के स्तर से मेल नहीं खाता, या फिर छात्र अभी प्रेरित नहीं होते, या फिर वातावरण अनुकूल नहीं है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, वो बहुत मेहनती है और एक आदर्श शिक्षक भी, लेकिन फिर भी असफल है, तो इसका कारण क्या हो जाएगा? जो उनकी शिक्षण योग्यता का स्तर है, उनका पढ़ाने का जो तरीका है, वो छात्रों के स्तर से मेल नहीं खाता, तब क्या है, वह असफल हो सकते हैं। ऑप्शन ए देखो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। देखिए शेयर कर दीजिए एक बार, सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए और एक बार लाइक कर दीजिए, अपने आप ही स्टूडेंट आ जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। यदि पिछली बेंच पर बैठने वाले बच्चे कक्षा में हमेशा बातें करते रहते हैं, तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? उनको दंड देना चाहिए, या फिर जो वो कर रहे हैं उन्हें करने देना चाहिए, या फिर प्राचार्य को सूचना देनी चाहिए, या फिर उनको आगे वाली बेंच पर बैठने को कहना चाहिए। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, उनको क्या करना चाहिए, आगे वाली बेंच पर बैठने को कहना चाहिए। उससे क्या होगा, वो यदि आगे बैठेंगे तो बातें नहीं करेंगे, वो शिक्षक की निगरानी में रहेंगे। तो देखिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। निम्न में से कौन सा कथन आप
कक्षा में एक अध्यापक के लिए सर्वोत्तम है, वो पढ़ाता है जो छात्र जानते हैं। यानी कौन सा कथन कक्षा में एक अध्यापक के लिए सर्वोत्तम है, वो पढ़ाता है जो छात्र जानते हैं। या फिर एक मित्र, मार्गदर्शक व दार्शनिक होता है या फिर कक्षा का नेता होता है। जो अध्यापक होता है वो कक्षा का नेता होता है क्या, या फिर छात्रों के दृष्टिकोण को परिवर्तित करने वाला होता है? तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। एक शिक्षक होता है वो क्या होता है, एक मित्र, मार्गदर्शक व दार्शनिक होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। कक्षा में संप्रेषण होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, या फिर विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए, या सामान्य केंद्रित, या फिर विषय वस्तु केंद्रित? तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। जो संप्रेषण होता है वो कैसा होना चाहिए, विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। आपकी कक्षा का कोई छात्र बेहोश होकर गिर पड़ता है तो आपकी प्रथम प्रतिक्रिया क्या होगी, उसके अभिभावकों को बुलाना, या फिर प्राचार्यों को सूचना देना, या फिर प्राथमिक उपचार देना, या फिर छात्र को घर भेजना? तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, यदि आपकी कक्षा का कोई छात्र बेहोश होकर गिर पड़ता है तो उसकी प्रथम प्रक्रिया क्या होगी, प्राथमिक उपचार देना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। देखिए आपको क्लास को 240 पेपर या 360 पेपर करके देखना है, तब आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। ज़्यादा लाड प्यार से बच्चे बिगड़ जाते हैं, इसका मतलब क्या है, अनुशासन अत्यावश्यक है, या फिर दंड शिक्षण का अभिन्न अंग है, या फिर शारीरिक दंड आवश्यक है, या फिर दंड पर प्रतिबंध होना चाहिए? तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, अनुशासन अत्यावश्यक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में अनुचित व्यवहार करता है, आपसे अनुचित व्यवहार करता है, तो आप क्या करेंगे, विद्यार्थी को डांटेंगे, या फिर कक्षा के बाहर विद्यार्थी से बात करेंगे, या फिर विद्यार्थी को कक्षा से बाहर निकाल देंगे, या फिर ध्यान नहीं देंगे? तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, कक्षा के बाहर विद्यार्थी से बात करेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। एक महान शिक्षक बच्चों के साथ काम करने व शिक्षण के लिए भावपूर्ण होता है, तो वे विद्यार्थियों के जीवन को प्रभावित करने के लिए उत्साहित होते हैं तथा इसके प्रभाव को समझते हैं, यह कथन क्या है, यह कथन क्या है, पूर्णतया सही है, यह कथन पूर्णतया सही है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। कक्षा में एक शिक्षक की भूमिका कैसी होती है, समूह निदेशक की, या फिर समूह के नेता और मार्गदर्शक की, या फिर एक प्रेरक की, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, कक्षा में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है, एक प्रेरक की। यानी एक शिक्षक क्या होता है, ओनली अध्यापकों के लिए प्रेरक का काम करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। नवीन संचार माध्यमों जैसे टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल आदि से संप्रेषण को कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है, अंतःक्रिया संप्रेषण, विकासात्मक संप्रेषण, या फिर सूचना रंजन संप्रेषण, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, अंतःक्रिया संप्रेषण, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। एक शिक्षक व्यावसायिक रूप से प्रतिबद्ध है, यदि वह अपने व्यवसाय और छात्रों के प्रति प्रतिबद्ध है, या फिर अपने नियोक्ता के प्रति प्रतिबद्ध है, या फिर समाज के प्रति, या फिर स्वयं के प्रति? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। यदि वह अपने व्यवसाय और छात्रों के प्रति प्रतिबद्ध है तो व्यावसायिक रूप से वह प्रतिबद्ध है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। आप क्या करेंगे यदि आप पाते हैं कि एक शिक्षक के तौर पर आप जातिवाद एवं संकीर्ण मानसिकता के शिकार हो गए, तो आप क्या करोगे, उचित मंच पर अपनी बात रखूंगा, या फिर अपनी नौकरी बचाने के लिए सहूंगा, या फिर मानवीय मूल्यों की वकालत करूंगा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, आपको क्या करना है, उचित मंच पर अपनी बात रखना है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। कक्षा में एक शिक्षक के सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या होती है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदमय बनाना, या फिर कक्षा में अनुशासन रखना, या समय पर पाठ्यक्रम पूर्ण करना, या फिर उक्त में से कोई नहीं, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए राइट आंसर क्या होगा,
शिक्षक के सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या होती है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदमय बनाना। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। सामाजिक परिपक्वता किसी व्यक्ति में अंतर्व्यक्तिक संबंधों, व्यवहार की उपयुक्तता, सामाजिक समस्या समाधान एवं निर्णय की सक्षमता के विकास का मापक है। इस कथन से क्या आप सहमत हो या फिर असहमत हो? तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। जो सामाजिक परिपक्वता होती है वह किसी व्यक्ति में अंतर्व्यक्तिक संबंधों, व्यवहार की उपयुक्तता, सामाजिक समस्या और समाधान एवं निर्णय की सक्षमता के विकास का मापक होता है। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सामाजिक परिपक्वता क्या होती है। एक व्यक्ति को क्या होना चाहिए, समाज में सभी गुणों से पूर्ण होना चाहिए, सभी गुणों से पूर्ण होना चाहिए, वो क्या होता है सामाजिक परिपक्वता होती है। तो उससे यदि वो सामाजिक गुणों से पूर्ण होगा तो उससे वो अंतर्व्यक्तिक संबंध और व्यवहार की उपयुक्तता और सामाजिक समस्या का समाधान कर पाएगा। तो देखिए ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। मैं तो क्या हूँ, इस कथन से सहमत हूँ, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। अधिगमकर्ता की अधिगम अभावों व कठिनाइयों को चिन्हित करने के लिए किस प्रकार का मूल्यांकन सर्वाधिक सही है? स्थापन या फिर योगात्मक या फिर निरंतर या फिर निदानात्मक? तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी निरंतर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। छात्रों की अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए आप कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? व्याख्यान विधि, यानी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? व्याख्यान विधि या फिर चर्चा विधि या फिर पाठ्य पुस्तक विधि या दर्श श्रवण सामग्री? तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी चर्चा विधि। यदि हम छात्रों से चर्चा करेंगे किसी मैटर पर, किसी टॉपिक पर, तो उससे क्या होगा सहभागिता सुनिश्चित हो जाएगी, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। किसी विद्यार्थी द्वारा गलत उत्तर दिए जाने पर आप क्या करोगे? नज़रअंदाज कर अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाएंगे या फिर बताएंगे उत्तर गलत कैसे है या फिर छात्र को चेतावनी देंगे या फिर वही प्रश्न दूसरे छात्र से पूछेंगे? तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, बताएंगे कि उत्तर गलत कैसे है। यदि वो गलत उत्तर दे रहा है तो उसे हमारा कर्तव्य होता है कि ये गलत आपका उत्तर, ये जो उत्तर है वो आपका गलत है और कैसे गलत है, आप उन्हें क्या करोगे, सही उत्तर बताओगे, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। सुनीता के पिता परीक्षा में उस पर कृपा करने के लिए आपके पास आते हैं, तो आप क्या करोगे? यदि सुनीता के पिता परीक्षा में उस पर कृपा करने के लिए, यानी उसे चीटिंग करवाने के लिए या फिर उसे अधिक अंक देने के लिए आपके पास आते हैं, तो आप क्या करोगे? उन्हें डांट देंगे या फिर विनम्र हो दृढ़ता से मना कर देंगे या फिर प्राचार्य को सूचित करेंगे या इनमें से कोई नहीं? तो आपको क्या करना है, आपको विनम्रता से दृढ़ता से मना कर देना चाहिए, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। आपके अनुसार पाठ योजना के महत्वपूर्ण तत्व क्या है? प्रस्तुतिकरण, पाठ में छात्रों की रुचि व संलिप्तता पैदा करने के लिए सहायक सामग्री का उपयोग या फिर व्यक्तिगत आवश्यकता पूर्ति, किसी ऐसी विधि का प्रयोग जिसमें व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति हो सके या फिर कालक्रम पाठ को तार्किक रूप से व्यवस्थित करना ताकि छात्र उसे आसानी से समझ व धारण कर सके या फिर सिर्फ पाठ पढ़ाना? तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, पाठ योजना के महत्वपूर्ण तत्व क्या है? कालक्रम पाठ को तार्किक रूप से व्यवस्थित करना ताकि छात्र उसे आसानी से समझकर वह धारण कर सके, ऑप्शन सी देखो राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। राम अपनी कक्षा में सबसे पिछली बेंच पर बैठे होने के कारण ब्लैकबोर्ड देख नहीं पा रहा है, तो वह बार बार उड़ता देखता है और बैठ जाता है, तो आप इससे क्या अनुमान लगाओगे? राम अपने सामने बैठे सहपाठी से छोटा है या फिर उसकी नज़र खराब है या बेंच में समस्या है या फिर ब्लैक बोर्ड में समस्या है? यदि यहाँ क्या दिखाई दे रहा है कि राम यहाँ अकेले व्यक्ति की बात कर रहा है, तो ब्लैक बोर्ड में समस्या नहीं हो सकती,
और बेंच में भी समस्या नहीं हो सकती। या तो उसकी नज़र खराब हो सकती है या फिर राम अपने सामने बैठे सहपाठी से छोटा है। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। यदि वह बार बार उठता है देखता है तो क्या होगा आपकी नज़र में, आप अनुमान लगा सकते हो कि राम अपने सामने बैठे सहपाठी से छोटा है। ऑप्शन ए देखो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, एक शिक्षक की असफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या हो सकता है, विषय पर अधिकार का अभाव या फिर शाब्दिक योग्यता की कमी या फिर कठोर अनुशासन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, एक शिक्षक की असफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या हो सकता है, विषय पर अधिकार का अभाव। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, ग्रामीणों में साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए आप संप्रेषण की किस विधि का उपयोग करेंगे, यानी आपको गाँव के लोगों में साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए आप संप्रेषण की किस विधि का उपयोग करेंगे, सर्वे दर्शी सामग्री विधि या फिर प्रदर्शन का या फिर समूह चर्चा का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी समूह चर्चा का, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, आप अपनी पाठ योजना कैसे बनाते हैं, छात्रों को समझ के स्तर का निर्धारण करके या फिर छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकता का निर्धारण करके या उपयुक्त विधि का चयन करके या फिर पाठ्यक्रम की मांग का निर्धारण करके। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, पाठ योजना आपको कैसे बनानी है, छात्रों के समझ के स्तर पर, आप ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक की पेशेवरता की बेहतरीन परिभाषा हो सकती है, किस सीमा तक शिक्षक व्यावसायिक सहायता को स्वीकार करता है या फिर वो अपने वेतन के लिए काम करता है या फिर पेशेवर योग्यता प्राप्त करता है या फिर इनमें से कोई नहीं। पेशेवरता की बेहतरीन परिभाषा क्या हो जाएगी, किस सीमा तक शिक्षक व्यावसायिक संहिता को स्वीकार करता है। ऑप्शन ए देखो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने टोटल 50 क्वेश्चन देख लिए, शिक्षण अभिरुचि के, शिक्षण अभिरुचि के 2019 के पेपर में पूछे गए 50 क्वेश्चन हमने देख लिए। यदि आपने बीच में से क्लास स्टार्ट की है तो आप शुरू से क्लास को ले सकते हो। देखिए प्लेलिस्ट में जाकर आप 2020 और 2018 का मॉडल पेपर भी देख सकते हो। तो चलिए आज की क्लास हम यही एंड करते हैं, और अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। क्लास को देखने के लिए सभी को धन्यवाद।